संबंध बनाने से पेशाब के रास्ते में महिलाओं को क्या हो जाता है, संक्रमण हो जाता है। लेकिन आप और मैं, हम दोनों तो ये चीज़ जानते हैं कि महिलाओं में संबंध बनाने के लिए दूसरा रास्ता होता है जो कि क्या है, योनि है, और पेशाब का रास्ता है जो वो अलग है। तो इससे पेशाब वाला इन्फेक्शन या संक्रमण क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? और आपने ये हर जगह सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा कि महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा भी क्यों है? और उसके बाद कि अगर हमें हो गया है, मानो कि मुझे है, तो मुझे कैसे पता चले कि मुझे ये हो गया है और मैं उसके लिए करूँ क्या? तो ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि महिलाओं में ये ज़्यादा क्यों होता है। क्योंकि जो रास्ता है, जो पेशाब का रास्ता है, उसमें जो एक ऐसी नली है जो किसको जोड़ती है, जो बाहर के रास्ते को और जहाँ पर जो आपका पेशाब है वो स्टोर होता है, वो रहता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, उसका और जो बाहर का रास्ता है वो बहुत छोटा है। कितना है? सिर्फ 4 सेंटीमीटर का रास्ता है। तो इतने छोटे रास्ते पर जो बाहर से जो बैक्टीरिया है ना, जो इन्फेक्शन करते हैं, जो संक्रमण करते हैं, वो जल्दी ऊपर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। और पुरुषों में, इनके मुकाबले अगर हम पुरुषों की बात करें, तो उनमें क्या है, रास्ता बड़ा है, तो वो जो बैक्टीरिया है, जो चीज़ें इन्फेक्शन करती हैं, वो लेट पहुँचती हैं, वो ऊपर तक पहुँच ही नहीं पाती बहुत टाइम तक। तो इसीलिए उनके अंदर क्या होता है, कम होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन क्लियर कि महिलाओं में क्यों ज़्यादा होता है। उसके बाद क्वेश्चन सबसे बड़ा कि संबंध बनाने से कैसे सकता है भाई, जब रास्ते ही अलग अलग है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले भी आपसे बात की है, जो योनि होती है उसके पास कुछ अच्छे, उसके दोस्त वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको बचाते हैं किसी भी संक्रमण से। लेकिन जैसे कि महिलाओं में जो पेशाब का रास्ता है और जो संबंध बनाने का रास्ता है, वो है अलग अलग, लेकिन वो बहुत पास है। तो अगर वहां पर कोई भी ऐसा कुछ है कि अगर आप क्लीन नहीं रख रहे, या फिर आपके पार्टनर से आपको आ रहा है, कुछ भी ऐसा कुछ भी है, तो अगर वहां पर जो बैक्टीरिया है वो आ रहे हैं ना, तो वो फटाफट ऊपर भी भाग जाते हैं। फिर ऊपर भागने के बाद वो सोचते हैं कि ये छोटा सा ही तो रास्ता है 4 सेंटीमीटर का, चलो भाई ऊपर उड़ लो। तो ऐसा करने की वजह से वो क्या करते हैं, वहाँ इन्फेक्शन कोस करते हैं, क्योंकि वो दोनों जगहें बहुत ज़्यादा पास है, करीब है महिलाओं में, इसीलिए उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। और जो योनि वाला रीजन है, उसमें क्या है कि पहले से ही अच्छे बैक्टीरिया हैं, उसके दोस्त हैं, वो उसको बचा लेते हैं बहुत हद तक। जो योनि है उसके पास एक ऐसा पानी होता है, डिस्चार्ज होता है, जो कि वो क्या करती है, निकालती है और खुद को बचा सकती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, जहाँ से हमारा सुसु निकलता है, वो बेचारा फंस जाता है इसके चक्कर में। तो इसके लिए क्या होता है, वहाँ पर इसकी वजह से भी इन्फेक्शन या संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, जो मैं कहूँगी कि अफेक्ट कर सकता है आपको, अगर ये ऊपर 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 पहुँच कर आपकी किडनी में पहुँच जाए, क्योंकि किडनी क्या है, वाइटल ऑर्गन है, और वो एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना क्या है कि बॉडी अच्छे से काम कर ही नहीं सकती, बॉडी काम ही नहीं करेगी अगर वो ख़राब हो गई तो। आपने बहुत लोगों को सुना भी होगा कि उसकी फेलियर की वजह से भी डेथ हो जाती है। तो अगर वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए आगे, तो उससे ये चीज़ें हो सकती है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से उसको पकड़ना है इन्फेक्शन को, और जल्दी से डॉक्टर के पास भागना है, और जल्दी से ठीक करवाना है, ठीक है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा, पकड़ोगे कैसे कि इन्फेक्शन है मुझे या नहीं, ये कैसे जानूं मैं? तो आपको पता लगाने के लिए कुछ एक ऐसे लक्षण है जो आपको देखने हैं अपने आप में। जैसे कि आपको क्या होगा कि एकदम से ऐसे लगेगा कि ना भाई बहुत ज़ोर से सुस्त आ रहा है, कि फटाफट भाग जाऊँ वॉशरूम में, बीच में निकल जाएगा नहीं तो ऐसा। और जैसे ही आप गेट तक पहुँचोगे ना, तो ऐसे लगेगा कुछ ड्रॉप्स तो ना निकल भी गई हैं। लेकिन जब आप करोगे ना सुस्सू, जब मेन आप करने बैठोगे, तो क्या होगा, सिर्फ कुछ बूंदें ही निकलेंगी। तो ये चीज़ें क्या है, बताती हैं कि आपको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, संक्रमण हो गया है। और क्या आपको देखना है, आपको जो है बुखार महसूस होगा, उसके साथ क्या होगा कि एकदम से ठंड वाले जो चिल्स लगती है ना, वो लगेंगी। तो वो चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आपको क्या होगा, कई बार क्या होता है कि जब आप सुसु करते हैं, तो उसके अंदर आपको जलन होती है, दर्द होता है, तो वो आपको हो सकता है। आपको क्या हो सकता है, नीचे जो पेट होता है आपका, एब्डोमिनल, उसके अंदर दर्द हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो भाई जल्दी से जल्दी जाओ डॉक्टर के पास, भागो, जल्दी से जल्दी दवाई लेना शुरू करो, ट्रीटमेंट शुरू करो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका जो संक्रमण है वो बहुत ज़्यादा बढ़े। उसके बावजूद आपको क्या करना है, उसके अलावा जो आप चीज़ें कर सकते हैं, जो आपको डेली रूटीन में करनी ही है इससे बचने के लिए, वो क्या है। एक तो सबसे पहली चीज़, आपको जो पानी है वो बहुत ज़्यादा, उसका इंटेक बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा होती हैं। आपको पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि पानी करेगा कि आप ज़्यादा पानी पियोगे तो वो फ्लश आउट करेगा, मतलब
जो ये एरिया है उसको क्लीन करने में हेल्प करेगा और जो बैक्टीरिया वगैरह उसको बाहर निकाल देगा, तो वो एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको हमेशा डिहाइड्रेशन से बचना है, ज़्यादा पानी का इंटेक करना है, जो कि नॉर्मल होता है, उतना ओवर हाइड्रेटेड भी नहीं होना है, ठीक है, पानी लेकिन बढ़ा देना पीने में। और अभी तो बहुत ज़्यादा समर चल रही है तो अभी तो पानी ज़्यादा पियो ही, ओके। तो एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद जैसे कि मैं संबंध बनाने की चीज़ इससे जोड़ रही थी, तो उसके अंदर आपको साफ़ सफाई रखनी है। जब आप संबंध बना ले उसके बाद आपको सुसु करना ही करना है, अपना एरिया जो है उसको अच्छे से साफ़ करना ही करना है, साबुन और पानी से नॉर्मल, ऐसा कुछ ज़ोर से प्रेशर नहीं देना, कुछ कुछ नहीं करना, नॉर्मली क्लीन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो चीज़ें हाइजीन वगैरह है उनका अच्छे से ध्यान रखना है। और आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि जब हम संबंध बनाते हैं ना, तो मतलब हमारी आँखें नहीं देख पाती, लेकिन वो इतनी ज़्यादा रगड़ होती है उस प्रक्रिया के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है कि छोटे छोटे कट लग जाते हैं, जो कि हमारी आंखों से नहीं दिखते लेकिन लग जाते हैं। तो वो एक ऐसी साइट बन जाती है जहाँ पे जो बैक्टीरिया है, जो इन्फेक्शन चीज़ें करती हैं, वो क्या है, घुस सके, ठीक है। तो हमें उससे बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो उस एरिया को क्या करके गीला गीला रखे, ठीक है। तो वो चीज़ें, अब वो चीज़ें यूं ही नहीं है कि घर में कोई तेल देखा, कोई क्रीम देखी, कोल्ड क्रीम देखी, लगा लो, नहीं, वो चीज़ें आपकी योनि को इरिटेट कर सकती है, वो यूज़ नहीं करना है। आपको क्या यूज़ करना है, आपको खरीद कर लेके आना है क्या, जो वाटर बेस्ड प्रोडक्ट हो, जो पानी वाला बेस्ड प्रोडक्ट हो, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट ना हो, वो आपको यूज़ करना है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ में। तो ये कुछ बातें ही इससे रिलेटेड, पेशाब से होने वाले इन्फेक्शन, जो पेशाब के रस्ते में इन्फेक्शन हो जाते हैं उससे। तो अगर आपको इसमें कुछ भी सीखने को मिला, जानने को मिला, वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करना है, कोई कंजूसी नहीं करनी, शेयर करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे रिलेटेड डाउट है। कमेंट सेक्शन में मुझे और भी टॉपिक्स आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ टेक केयर।